वेलकम बैक टू माई चैनल। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज आपके साथ कॉफ़ी फेस मास्क शेयर करने जा रही हूँ। ये आपकी स्किन को ज़बरदस्त बना देगा। दो बड़े चम्मच आपने कॉफ़ी पाउडर लेना है। कॉफ़ी सर्दियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है तो हमारे पास इजीली मिल जाती है। इसमें हमने ऐड करना है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आपकी स्किन को ज़बरदस्त मॉइस्चराइज रखेगा। और उसमें हमने 2 से 3 ड्रॉप्स विटामिन ई ऑयल ऐड कर देना है। ये किसी भी फॉर्म में आपको मिल जाएगा। इसको हमने मिक्स कर लेना है अच्छे से। ये हमारे पास ज़बरदस्त सा एक पेस्ट तैयार हो जाएगा। इसका कलर डार्क होगा, खुशबू ही बड़ी ज़बरदस्त है। ऐसा दिल कर रहा है खाना लेने को, लेकिन खाना नहीं है। इसको आपने स्किन पर अप्लाई करना है। ये आपकी स्किन पर से डार्क स्पॉट्स को रिमूव कर देगा, झुर्रियों को रिमूव कर देगा, और आपकी स्किन पर अगर दाग धब्बे हैं तो वो भी रिमूव हो जाएंगे। आपकी स्किन ऑयली है या आपकी स्किन ड्राई है तो ये मॉइस्चराइज़र के तौर पर इस्तेमाल, यानी मॉइस्चराइज़र के असरात आपकी स्किन पर देगा और लॉन्ग टर्म असरात देगा। क्योंकि केमिकल वाले हम अगर क्रीम्स, कोई फेशियल या क्लिनजर वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उनके रिजल्ट जो है वक्ती होते हैं। तो हमने आखिरी इंग्रेडिएंट जो इसमें ऐड करना है वो मुल्तानी मिट्टी का पाउडर। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो हमारे पास एक फेस पैक तैयार हो जाएगा, कॉफ़ी फेस पैक। कॉफ़ी हमारी स्किन के लिए ज़बरदस्त है और जो भी इंग्रेडिएंट इसमें ऐड किए गए हैं वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। अक्सर लड़कियों की ये शिकायत होती है कि उनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुकी होती है, जो भी चीज़ अप्लाई करें उनका असर गलत हो जाता है। यानी अगर वो मेकअप वगैरह इस्तेमाल करती हैं तो उनकी स्किन पर एक्नी बनना शुरू हो जाती है, या कोई भी क्रीम वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उनकी स्किन पर बहुत बुरे असरात शो होते हैं, तो उनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुकी होती है। तो सेंसिटिविटी को ख़त्म करने के लिए आप ये अप्लाई कर सकते हैं। ये नेचुरल रेमेडी है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा।